कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ये वाले सेल रिपेयर करेंगे जिसे लिथियम आयन सेल बोलते हैं, आप देख सकते हैं। तो यार बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास कि इन बैटरी ये ठीक नहीं होती है, तो मैं इनको ठीक करके बताऊंगा कि ख़राब बैटरी को आप कैसे ठीक करें। तो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सेल है, तो मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ कोई सेल। तो आपको सबसे पहले तो आइए इन बैटरी को रिपेयर करते हैं, तो मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये बैटरी ले ली है, मल्टीमीटर को आप साइड में लेके आएंगे। तो आइए इसकी मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम 0-0 वोल्टेज आ रही है, आप देख सकते हैं 0-0 वोल्टेज आ रखी है इसमें। तो इसको ठीक करते हैं। तो आपको इसे ठीक करने के लिए आपको एक ऐसा चिमटी सी ले लेनी है, ट्वीजर या तिखी चीज़, सुई वगैरह। तो आपने क्या करना है, आपको ये बैटरी को यहाँ देखना है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से रिपेयर करना है। आप जैसे ही इसके अंदर आप ये छेद देख सकते हैं बैटरी में, जैसे इसके अंदर डालिए आपको गैस की आपको एक साउंड सुनाई देगी। आप इसे देखिए, मैंने छेद कर दिया। अब आपको मैं चेक कराता हूँ इस बैटरी की वोल्टेज। आपने इसी के अंदर डालना है और कहीं डालना है, यहाँ पर आपको नहीं करना है। ये जो आपको छेद दिख रहा है आपको यहीं पर होल करना है, ठीक है। इसके अंदर से लिथियम गैस निकलेगी, ठीक है। तो इसकी मैं वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। ये वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं 3.9 के वोल्टेज आ गए, यानी हमारी ये बैटरी ठीक हो गया। कोई कोई बैटरी बिल्कुल भी ख़राब होती है, जिसके अंदर एसिड निकल जाता है तो वो बैटरी नहीं ठीक होती। ऐसी अगर बैटरी आपको दिखे ठीक कंडीशन में तो वो हो जाती है ठीक।